हैं, जितने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं, जैसे हमने सी रूट से कितने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अवेलेबल हैं, रोडवेज और जो रेलवेज हैं, इन सबको देखा है। अब जो है नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो होगा एयरवेज। तो एयरवेज की हम बात करें तो एयरवेज जो है सबसे ज्यादा अगर हम बात करें लग्जूरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कंपेरिजन में अगर हम देखें तो दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। और एक और चीज है कि एक अगर हम टाइम कंजम्पशन की बात करें तो बहुत ही कम टाइम में जो है ट्रांसपोर्टेशन एवीज के थ्रू हो जाता है। तो टाइम सेविंग, लग्जूरियस एंड यस अ बिट एक्सपेंसिव, दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के से अगर हम इसे कंपेयर करें। अब एवीज किन एरियाज में बेनिफिशियल है अगर हम देखें तो एवीज जो है हर तरह के एरिया में जा सकता है, कोई माउंटेनियस रीजन हो, फॉरेस्ट एरिया हो, ऐसे डिफिकल्ट टेरेन्स जहाँ पे नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन नहीं पहुंच सकते जैसे सैंडी डेजर्ट एरियाज, और ऐसे एरियाज जैसे सी कवर करना है पूरा, तो हाँ सी कवर करने के लिए हमारे पास जो है वाटरवे अवेलेबल है, बट स्टिल एयरवे जो है थोड़ा सा वाटरवेज के कंपेरिजन में फास्ट होता है, इसलिए एयरवेज जो है जितने भी डिफिकल्ट टेरेन्स है उन सबको कवर करता है। इंडिया की अगर टोपोग्राफी की बात करें तो पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया, वहां पे जो है इजिली जो है हम एवेज की हेल्प से जा सकते हैं, इसलिए एवेज जो है सभी दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में थोड़ा सा सुपीरियर होता है। बट यहाँ पे थोड़ी सी बात आ जाती है कि क्योंकि एक्सपेंसिव होता है तो हर किसी इंसान के रिच में ये नहीं होता है, ये एक इसका ड्रॉबैक हो जाता है। अब एवेज की हिस्ट्री देखें तो इंडिया में नेशनलाइज कब किया गया था इंडियन एवेज, तो एवेज नेशनलाइज किया गया था इन द ईयर 1953। अब कौन कौन से मोड्स हैं अवेलेबल हमारी कंट्री में, तो इंडियन एयरवेज जो है सपोर्ट किस आर सपोर्टेड बाय इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस के अलावा हमारे पास है अलायंस एयर। अब अलायंस एयर क्या है, सब्सिडियरी है इंडियन एयरलाइंस का। इसके बाद हमारे पास कई सारे प्राइवेट शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड एयरलाइंस भी होते हैं, और एयर इंडिया जो है प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। इसके बाद हमारे पास है पवन हंस हेलीकॉप्टर्स, ये जो है जो ऑयल कॉरपोरेशन है, नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, इन सबको जो है ऑफशोर से लेकर कोई ऐसे टेरेन पे जाना जहाँ पे जो है पहुँचना डिफिकल्ट होता है, तो उन सब पे जो है पवन हंस हेलीकॉप्टर्स जो है अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं। तो एग्जाम में एयरवेज यूजुअली नहीं आता है, बट अगर पूछा जाए तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जो है पूछा जा सकता है। और क्यों ये दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर है, तो बेटर क्योंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी जो है दूसरे मोड्स के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी है, बट प्रॉब्लम ये है कि हाँ एक्सपेंसिव होता है। अब गवर्नमेंट ने इस डिफिकल्टी को कि ये काफी एक्सपेंसिव है, इसे कैसे हटाया जाए, आम आदमी के बीच तक कैसे लेकर आया जाए, उसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है पूरे इंडिया में रेस्ट ऑफ द एरिया से थोड़ा सा डिफरेंट है, टेरन वहाँ का थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वहाँ पे जो चार्जेस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं कि जो नॉर्मल पर्सन है, आम आदमी है, वो भी इजीली वहाँ पे वाया एयर जो है ट्रैवल कर सके। दिल्ली से आप नॉर्थ ईस्ट अगर जाते हैं तो वहाँ के जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो दिस इज अबाउट द एयरवेज। अगला जो टॉपिक हम देखेंगे वो होगा कि अभी तक हमने ट्रांसपोर्टेशन देखे हैं, अब हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह से किया जाता है, तो अब हम इसे देखेंगे। तो कम्युनिकेशन अभी नया टॉपिक नहीं है, हम यूजुअली हमारी डे टू डे लाइफ की बात करें तो घर में अगर हमारे पेरेंट्स को कुछ बात बतानी हो तो वो क्या होता है तरीका, वो कम्युनिकेशन होता है एक तरीका कि हाँ हम क्या सोच रहे हैं वो हम हमारे पेरेंट्स को बता रहे हैं। सेम हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स, जो भी हमें चीज़ होती है बताने के लिए वो हम उन्हें बताते हैं, तो ये एक जो है तरीका है कम्युनिकेशन का। अब एट प्रेजेंट की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे मोड्स है कम्युनिकेशन के कि हाँ अभी क्या क्या हो रहा है, आज क्लास में क्या करा, फोन करके हमारे फ्रेंड को बता देंगे, मैसेज कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, बहुत सारे जो है मेथड्स आ चुके हैं कम्युनिकेशन ईज करने के। पुराने जमाने की बात करें तो उस टाइम पे भी जो है कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन मेथड होता था लोगों के पास एज एन ऑप्शन। अब जैसे पुराने टाइम की बात करें तो अगर कोई मैसेज जो है भेजना होता था तो या तो वो किसी बर्ड के थ्रू, जैसे आपने देखा होगा कहीं हिंदी मूवीज में देखा होगा कबूतर के थ्रू जो है लेटर बांध दिया था तो उसके नेक पे और जो है उसे ट्रांसफर कराया जाता था।
अगर हम हमारे एंशियंट जो बुक्स हैं उनमें देखें तो आकाशवाणी हुआ करती थी, पता चल जाता था कि अच्छा ऐसी ऐसी कोई चीज़ जो है होने वाली है। तो इस तरह से जो है पुराने डेज में जो है कम्युनिकेशन होता था, पर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जिस जिस तरीके से कम्युनिकेशन में नए नए एराज आए, नए नए मेथड्स मिलते थे कि हाँ इस तरीके से भी जो है कम्युनिकेशन किया जा सकता है। जैसे ग्राहम बेल जिन्होंने जो है टेलीफोन का इन्वेंशन किया था, तो एक बहुत जो है बोल सकते हैं कि एक रैपिड चेंज आया कम्युनिकेशन के एरा में कि हाँ अब जो है हम अपने घर बैठे इजीली हमारे किसी भी रिलेटिव से बात कर सकते हैं, उसके हालचाल जान सकते हैं, कोई ऑफिशियल वर्क है तो वो भी बहुत इजीली हम कैरी आउट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है अगर हम बात करें पिछले 100-150 सालों में, तो नए नए मेथड्स आए हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा जो है ईज कर दिया है। अब क्या क्या कम्युनिकेशन मेथड्स हैं, किस किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है वो हम देखते हैं हमारी कंट्री में। तो इंडियन पोस्टल की बात की जाए तो इंडिया इंडिया में अगर हम अभी एट प्रेजेंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन सर्विसेज हैं जिससे काफ़ी सारा गवर्नमेंट वर्क या हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ की जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो हम घर पे बैठे कर सकते हैं। बट पुराने डेज, पिछले कुछ 20-30 साल पुरानी अगर हम जाते हैं, पहले जाते हैं, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि पोस्टल सर्विसेज हुआ करती थी। हमारे पेरेंट्स से भी पूछे तो वो बताएंगे कि हाँ हमने है लेटर्स लिखे थे, एनवेलप्स लिखे थे, वहाँ पे दिए थे। तो इस तरह से पुरानी अगर आप मूवीज भी देखें या पुराने कुछ शोज देखें, तो उसमें आप देखेंगे कि जो भी होस्ट या एंकर होता था, वो लेटर्स अपने जो भी उनके फॉलोअर्स हुआ करते थे उस जमाने में, जो भी दूरदर्शन देखा करते थे, उनके पास क्या होता था, कुछ ना कुछ लेटर होते थे जो उनके फैंस उनके लिए लिखते थे, वो लेटर्स वो फिर टीवी पे पढ़ा करते थे। तो ये सर्विस जो लेटर राइटिंग सर्विस थी वो इंडियन पोस्टल सर्विस हुआ करती थी। तो इंडियन पोस्टल सर्विस जो है पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट पोस्टल सर्विसेज की कैटेगरी में आता था। अब जो ये पोस्टल सर्विसेज है ये दो तरह के होते हैं, फर्स्ट क्लास मेल एंड सेकेंड क्लास मेल। आज की डेट में तो सिर्फ ईमेल होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मेल होते हैं, पर पहले दो अलग तरीके के मेल होते थे, फर्स्ट क्लास मेल एंड सेकेंड क्लास। अब फर्स्ट क्लास मेल क्या होते हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्लास मेल्स की कैटेगरी में आते थे कार्ड्स, एनवेलप्स। अभी कार्ड्स, एनवेलप्स ये सब जो चीजें हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैसे जाएंगे, तो ये सारी चीजें जो है एयरलिफ्टेड होती थी। मतलब ट्रांसपोर्टेशन अगर करवाना है इनका तो बाय लैंड रूट भी करवाया जा सकता था, दूसरा बाय एयर भी करवाया जा सकता था। तो ये होती थी फर्स्ट क्लास सर्विसेज। अगर हम बात करें सेकेंड क्लास मेल्स की, तो सेकेंड क्लास मेल्स में आते थे ऑप्शंस बुक, पैकेट्स, न्यूज़पेपर्स और टैबलो फॉर्म्स में कुछ, या फिर पीरियोडिकल्स। ये सारी चीजें जो है सेकेंड क्लास मेल्स की कैटेगरी में आते थे। अब जो ये सेकेंड क्लास मेल्स हैं ये किससे कैरिड होते थे, कहाँ से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता था, तो ये सर्फेस मेल से कैरिड आउट होते थे। अब सर्फेस मेल कैसे कवरिंग करता था, पूरा जमीन और वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है इससे कवर रहता था। तो ये दो तरीके के मेल्स हुआ करते थे। अब क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मेल्स अवेलेबल नहीं थे, तो कुछ मेल चैनल्स जो है बनाए गए थे, ऐसे रूट्स जिसके थ्रू फास्ट एक्सेसिंग, वो अगर हमें कुछ ट्रांसपोर्ट, कोई कुरियर है या कुछ ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई मैसेज है जो फटाफट गवर्नमेंट को किसी दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट को पहुंचाना है या कुछ भी काम करवाना है, तो कितनी जल्दी आप उसे जो है पहुंचा सकते हो। तो इसके लिए फिर कुछ गवर्नमेंट ने जो है 6 मेल चैनल्स बनाए थे। अभी 6 मेल चैनल्स क्या क्या है, फर्स्ट इज राजधानी चैनल, सेकेंड इज मेट्रो चैनल, थर्ड इज ग्रीन चैनल, फोर्थ इज बिजनेस चैनल, बल्क चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल। तो ये 6 चैनल्स थे जिससे जो है उस टाइम पे क्विक एक्सेस होता था, फटाफट जो है अगर कुछ ट्रांसपोर्टेशन कराना है, किसी भी लेटर, ऑफिशियल लेटर या कुछ भी काम हो, तो इन चैनल्स के थ्रू जो है ये सारा काम करवाया जाता था। तो ये जो पूरी बातें हुई हैं अभी, ये इंडियन पोस्टल सर्विसेज के रिलेटेड थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं फिर से पुराने डेज में हम जाते हैं, तो सभी के घर में जो है पहले या अभी भी लैंडलाइन जरूर होते हैं। आप किसी भी ऑफिशियल इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक लैंडलाइन जरूर होगा जिसपे कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा होगा, और जो भी बातें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें वो आपको उससे रिलेटेड बताएगा। तो पहले के जमाने में एक चीज हुआ करती थी STD, इसका फुल फॉर्म होता है
सब्सक्राइबर, ट्रंक, डर। ठीक है, तो एसटीडी के थ्रू जो है हम जितने भी फोन कॉल्स करने हैं, आज की डेट में तो ये सब गायब हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, पर पहले जो है कई तरह के आपको अलग अलग, जैसे कि आज हर इंसान के हाथ में फोन मिलता है, ऐसे ही कुछ 20 साल पहले की अगर हम बात करें तो हर कॉर्नर पे एक एसटीडी पीसीओआईएसडी अवेलेबल होता था। एसटीडी से जो है हमें इंटर स्टेट अगर बात करनी है तो हम वो कर सकते थे, पीसीओ से एक ही स्टेट में अलग अलग रीजन से बात करनी है तो वो अवेलेबल था, और अगर हम बात करें हमें इंटरनेशनल कॉल करनी है तो आईएसडी इंटरनेशनल कॉल्स भी उसमें अवेलेबल होते थे। थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि हाँ नंबर लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा ओल्ड तरीका था, ओल्ड स्कूल था, बट हाँ एक एरा था एसटीडी का भी। गवर्नमेंट ने इसे जो है हर एरियाज में फैसिलिटेट करवाया था कि गांव गांव में भी अगर है ना किसी को कुछ अर्जेंसी है, कुछ नीड है, तो हर गांव में जो है एसटीडी बूथ्स जो है जरूरी होना चाहिए। गांव से लेकर शहर में हर एरियाज में जो है एसटीडी बूथ्स देखने को मिलते थे। इसके बाद आया एक नया एरा सेल्यूलर, सेल्यूलर बोले या फिर हम टेलीकॉम बोले, ये एक तरह का रिवॉल्यूशन था। जैसे कि आपने अलग अलग रिवॉल्यूशन अपने अभी ज्योग्राफी में हमने पढ़े हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, इसी तरह हमारी डे टू डे लाइफ की बात करें तो एक सेल्युलर रिवॉल्यूशन जो है आया, बात करते 2000 के बाद से। पहले जो है एक रॉयल्टी होती थी कि हाँ इस फलाने फलाने इंसान के पास जो एक फोन है, हर बहुत बड़ी चीज आती थी किसी के पास सेलफोन होना। आज की डेट में हम देखते हैं हर इंसान के पास जो है सेलफोन अवेलेबल है। अब ये सब इसलिए है क्योंकि जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है हमारी कंट्री की, उसने एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करा है डेवलपमेंट में। अब ये बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि पहले जो है एसटीडीज बराबर ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, हमें कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करना है कि नहीं, इजीली नहीं हो पाते थे। ऐसा भी होता था कि नंबर डायल नहीं हो रहा, सपोज इन केस किसी की डेथ हुई है और उसके रिलेटिव्स जो है बाहर किसी दूसरे एरिया में रह रहे हैं, अब उनको कॉल करो फिर अगले दिन वो इंसान आए, तो ये जो है काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो है हो जाता था। बट सेलफोन्स अगर आज की डेट में आपके पास है तो आपको तुरंत जो है सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इजीली एक्सेसिबल है। हर इंसान जो है अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स से जो भी बात करनी है उससे इजीली कर सकता है। तो एक नया रिवॉल्यूशन जो है सेल्यूलर टेक्नोलॉजी लेकर अपने साथ आई थी। सेल्यूलर टेक्नोलॉजी अब इजीली एक तरीका तो हो गया कि हाँ हम बात बात भी कर सकते हैं, इसके साथ और भी इतनी वो आई, वो थी इंटरनेट, जो कि फोन सर्विसेज के साथ आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है। हर इंसान जो है इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, हर इंसान के पास इतना तरीका तो है कि हाँ उस बंदे या बंदी की जो है फेसबुक पे आईडी जरूर चल रही होगी, उस इंसान को जो है व्हाट्सएप चलाना जरूर आता होगा। तो ये सारी चीजें फैसिलिटेट किसने की है, सेल्यूलर टेक्नोलॉजी ने, इंटरनेट ने। ये सब हर इंसान को जो है मशीन से अवेयर कराया। जो इंसान सोचता होगा कि अरे ये कैसे काम करता है, डर लगता होगा, पढ़ने लिखने में जैसे डर लगता होगा, आज के डेट में खुशी खुशी जो है कैसे लिखते हैं, फोन पे टाइपिंग कैसे करते हैं, अपने जो है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से खुद सीखता है कि मुझे सिखाओ ये कैसे करते हैं, मुझे बताओ कि अकाउंट कैसे खोलते हैं, मुझे बताओ कि किस तरह से ईमेल अकाउंट बना जाता है। तो ये सब चीजें जो है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इन सब कम्युनिकेशंस के, जो कम्युनिकेशन फील्ड जो है हमारी डे टू डे लाइफ में लेकर आया है। अब कम्युनिकेशन के बाद इसका एक साइड ब्रांच है मास कम्युनिकेशन, वो हम इसके बाद देखते हैं। जो दूसरा टॉपिक है मास कम्युनिकेशन का, ये डील करता है एक ऐसे मेथड से जिससे जो है जितने भी लोकल पीपल हैं या जितने भी लोग हैं वो जो है एक दो तरह की चीज़ों से एक्सेस्ड होते हैं। पहला तो एंटरटेनमेंट, एक रिफ्रेशमेंट का तरीका है। पहले के ज़माने में क्या होते थे एंटरटेनमेंट के तरीके के, बच्चे या जो भी लोग हैं गाने गाएंगे या कुछ छोटे मोटे प्लेस करेंगे या यूजुअली बैठ के कुछ बातें करेंगे। ठीक है, आज की डेट में एंटरटेनमेंट जो है लोगों के लिए टोटली चेंज हो चुका है, अलग अलग मेथड्स आ गए हैं एंटरटेनमेंट के। दूसरा एक मास कम्युनिकेशन जो एक ऐसा तरीका है जिससे गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी स्कीम्स हैं, उससे जो है मीडिया जो है अवेयरनेस क्रिएट करता है लोगों के अंदर। तो मास कम्युनिकेशन इन सब का जो है एक मिक्स्ड फॉर्म है जिससे हम एंटरटेन भी हो रहे हैं, अवेयरनेस भी हमारे अंदर जो है क्रिएट हो रही है।
मास कम्युनिकेशन की बात करें तो मास कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या कैटेगरीज आती हैं, तो टीवी, वीसीआर, रेडियो, ये सारी चीज़ें जो है मास कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आती हैं। आज की डेट की बात करें तो हमारे पास जो सेलफोन्स होते हैं, सेलफोन्स, उसके बाद जितने भी ऑफिशियल साइट्स हैं, जैसे कि फेसबुक की बात करें, यूट्यूब की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें या फिर ट्विटर की बात करें, ये सब भी एक तरीका है मास कम्युनिकेशन के अंडर ही ये सब चीज़ें आती हैं, जिससे जो है जो भी हमारे थॉट्स, जो भी हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम अपने आइडियाज़ जो हैं दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, अपने ओपिनियंस जो हैं दूसरों के सामने रख सकते हैं। तो इन मास कम्युनिकेशन ने एक पॉजिटिव चीज़ जो मास कम्युनिकेशन लेकर आई है हमारी डे टू डे लाइफ में, कि इसने जो है हमें एक्सप्रेसिव बनाया है कि जो भी चीज़ हम कहना चाहते हैं। सपोज आज की डेट में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो आप सभी लोगों तक कैसे फैसिलिटेट हो रही है विया द टेक्निक ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है मास कम्युनिकेशन के थ्रू ही फैसिलिटेट हुई हैं। सबसे पहले अगर बात करें मास कम्युनिकेशन की एंटरटेनमेंट की, तो वो थी आकाशवाणी, जो रेडियो पे जो है शो हर डेली आता था। इसके अंदर जो है अलग अलग सॉन्ग्स, मतलब टाइम स्लॉट्स होते थे कि इतने इतने टाइम पे कुछ सॉन्ग्स प्ले किए जाएंगे, इतने इतने टाइम पे जो है कुछ न्यूज़ आएगी, तो कोई एंकर आके पूरी न्यूज़ रीड करता था, फिर कुछ एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रोग्राम्स होते थे, तो इस तरह की चीज़ें जो है पूरी इसमें कवर की जाती थी। इसके बाद हमारा दूरदर्शन आया, दूरदर्शन जो है टेलीविजन के उसमें ब्रॉडकास्ट होता था, पहला ऑफिशियल चैनल जो था हमारी कंट्री का, उसमें भी सेम स्लॉट्स होते थे कि इतने इतने टाइम पे कुछ सॉन्ग्स आएंगे, फिर जो है उसके बाद उसमें कुछ न्यूज़ आती थी, उसके बाद कुछ शोज आते थे, रिलीजियस शोज आते थे, गवर्नमेंट के कुछ एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें, इनफैक्ट जो मैचेस होते थे क्रिकेट मैचेस, उन सब की लाइव जो है कवरिंग भी उस पर ब्रॉडकास्ट होती थी। तो ये सब क्या है, मास कम्युनिकेशन की कैटेगरी में ही आता है कि आज जो है हम अपने घर पे बैठ के किसी इंडिया का अगर कोई मैच चल रहा है किसी दूसरी कंट्री में, तो हम उसे आराम से इजीली देख सकते हैं। या सिर्फ क्रिकेट की बात क्यों करें, कोई भी स्पोर्ट हो अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें, तो आप उसे देख सकते हो। आपका कोई भी आइडल है किसी भी फील्ड में, वो किसी भी फील्ड को वो भले ही बिलोंग करे, अगर आप चाहते हैं कि वो क्या कर रहा है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, उसके क्या क्या थॉट्स हैं उसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अवेयरनेस, ये सब चीज़ें कौन क्रिएट कर रहा है आपके अंदर, मास कम्युनिकेशन। अब मास कम्युनिकेशन जो है, अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है, वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में इंडिया की बात करें तो कई सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं हमारी कंट्री में पब्लिश होते हैं, सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में नहीं, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी जो है न्यूज़पेपर जो है पब्लिश होते हैं। जैसे अगर हम बात करें केसरी या फिर नॉर्मल दैनिक भास्कर, गुजरात साइड जाएँ तो वहाँ पर संदेश, अलग अलग टाइप के जो है न्यूज़पेपर्स अलग अलग स्टेट्स में जो है सर्कुलर होते हैं। न्यूज़पेपर एक अच्छा तरीका होते हैं, एक अच्छा वे होता है, एक अच्छा तरीका होता है जिससे जो है पता चल पाता है कि किस स्टेट में या किस पर्टिकुलर एरिया में क्या चल रहा है, इंडिया की टोटली जो भी इंडिया के अंदर जो भी पॉलिसीज़ चल रही होती हैं, या कोई भी पर्सनल राइटर या इंडिविजुअल जो है क्या सोच रहा है, कहाँ पे क्या एक्टिविटी, क्या क्राइम कमिट हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है न्यूज़पेपर्स जो है कवर करके रखते हैं। अलग अलग स्लॉट्स होते हैं न्यूज़पेपर में जो अलग अलग टाइप की जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, स्पोर्ट्स से लेकर हर चीज़ तक इसके अंदर अवेलेबल होती है। अब मास कम्युनिकेशन जो है, ये पूरी चीज़ें जो है डेवलप कराना, कंटेंट प्रोवाइड कराना, ये सारी चीज़ें किसके अंडर होती है, मीडिया के हाथों के अंदर होती है, कि क्या क्या चीज़ें जो है ऑडियंसेस तक वो प्रोवाइड करवा रहा है। आज की डेट में देखें तो ऐसी कई सारी मीडिया जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ते हुए ऐसी कई सारी चीज़ें जो उसे बतानी चाहिए उन्हें ना बताते हुए बहुत सारी फालतू की चीज़ें जो है कवर कर रहा होता है, जो कोई यूज़ की नहीं होती हैं। बल्कि मीडिया के हाथों में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि एक अवेयरनेस क्रिएट करे लोगों के अंदर कि क्या सही है क्या गलत, बट उस ट्रैक से हटते हुए मीडिया कुछ और ही जो है, एटलीस्ट इंडियन मीडिया की अगर हम बात करें तो वो कुछ और ही बता रहा होता है। इस पूरे सिनेरियो में अगर अभी भी बात करें हम दूरदर्शन की, तो वो एक ऐसा चैनल है जिसने अभी तक अपना स्टैंडर्ड जो है पूरा मेंटेन करके रखा है कि हाँ उसमें पहले के जो कंटेंट वो पहले शो करते थे, सेम आज की डेट में भी जो है वही चीज़ें उसके अंदर आ रही होती हैं। अब क्योंकि न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं तो अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है इंडिया में न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं, मोर देन 100 लैंग्वेजेस में इंडिया में जो है न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं। तो मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कंपल्सरीली आता है आपकी एग्ज़ाम में,
क्या रोल प्ले करता है मास कम्युनिकेशन आपकी डेली लाइफ में, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स, कुछ भी आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। अब जैसे नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो आज की डेट की हम बात करें तो एक एडिक्शन हो रहा है जितने भी रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं कम्युनिकेशन के। सपोज़ हम बात करें अपने फ़ोन की, तो छोटे बच्चे से लेकर एक अडल्ट की बात करें तो सभी क्या है एक तरह से एडिक्टेड होते जा रहे हैं अपने सेलफोन के। जो टाइम उन्हें अपनी हेल्थ पे थोड़ी देर बाहर निकाल कर देना चाहिए वो टाइम वो कॉन्स्टेंटली जो है अपने फ़ोन पे ही दे रहे हैं। बल्कि उन्हें फ़ोन पे टाइम मैनेजमेंट रखना चाहिए कि हाँ इतनी इतनी देर के लिए हम इतने इतने स्लॉट्स में ही हमें जो है टाइम जो है किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म को जो है देना है। बट नहीं, पूरा पूरा दिन उस पर रहना, एडिक्शन होना। कई बार बच्चे जो है, अगर हम स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके अंदर जो है एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जाता है कि उनके ही साथ में पढ़ रहा बच्चा सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस है और वो इतने फेमस नहीं है, तो इस तरह से बच्चे जो है डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। तो ये सब जो है इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। इन केस आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो यू शुड बी आंसरेबल फॉर ऑल दिस। तो दिस इज अबाउट मास कम्युनिकेशन। ये सब चीज़ें जो है कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की। तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है ये देखेंगे हम। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ट्रेड क्या होता है। तो ट्रेड एक ऐसी चीज़ जिससे जो है एक चीज़, सपोज़ किसी कॉमोडिटी की बात करें, कोई पर्टिकुलर थिंग की बात करें हैं, तो दो इंडिविजुअल्स हैं, हम दोनों के बीच में हमारे पास कुछ सामान है, ठीक है, हमें एक्सचेंज करना है एक दूसरे से। मुझे जो सामान चाहिए वो उस इंसान के पास है, उसे जो चाहिए वो मेरे पास है। तो इस तरह से अगर हम चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा। आज की डेट में ट्रेड किस पे बेस्ड होता है, मॉनेटरी, क्योंकि करेंसीज जो है यूज होती हैं। तो कोई भी चीज़ आप मार्केट में लेने जाते हो तो ट्रांजैक्शंस किसके बेसिस पे होता है, पैसों के, उस पे रुपीस डॉलर जो भी करेंसी यूज़ हो रही होती है उसके बेसिस पे होता है। तो फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करें तो फॉरेन ट्रेड जो है किस तरीके से हो रहा होता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के इंडाइसेस इस चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं कि उस कंट्री का फॉरेन ट्रेड कैसा है। अगर बहुत अच्छा फॉरेन ट्रेड है तो ये माना जाएगा कि कंट्री जो है इकोनॉमिकली काफ़ी स्टेबल है। अब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो इम्पोर्ट, एज यू ऑल नो कि हमारे पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो उस चीज़ को हम अपनी कंट्री में अवेलेबल करवा रहे हैं तो उस ट्रेड को बोलेंगे हम इम्पोर्ट। और ऐसी चीज़ें जो हमारी कंट्री में सरप्लस है हम बाहर किसी को भेज रहे हैं तो वो हो जाता है एक्सपोर्ट। तो ये दो तरीके होते हैं ट्रेड के। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं अवेलेबल हैं तो उससे जो है इंडिया बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट करवाती है, और ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन है हमारा तो उन्हें जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। अगर हम इम्पोर्ट जो है ज़्यादा करवा रहे हैं, अगर हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, बाहर से ज़्यादा चीज़ें मंगवा रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी क्या कहलाएगी, इधर वीक या फिर अनस्टेबल। तो बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट कराना किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। क्यों ऐसा, क्योंकि फिर ये चीज़ ये रिप्रेजेंट करेगी कि अरे कंट्री के पास कुछ भी नहीं है, किस तरीके से अंदर मेंटेनेंस चल रहा है। अब यहाँ पे जो है एक एक्सक्लूसिव चीज़ आ जाएगी, एक एक्सक्लूसिव कंट्री के बारे में हम बात करेंगे, जापान। जापान का केस मैंने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि जापान एक ऐसी कंट्री है जिसके पास खुद का कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है। कंट्री में कॉन्स्टेंटली भूकंप आ रहे होते हैं, ऑलरेडी दो बार वहाँ पर हिरोशिमा नागासाकी पे बहुत बड़े बड़े एटम बॉम्ब्स गिर चुके हैं, और जितनी भी पॉपुलेशन उस टाइम की काफ़ी बड़ी सर्वाइवर रही है। फिर भी आज की डेट में मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, सबसे अच्छी इकोनॉमी जिस कंट्री की उसकी बात करें तो जापान का नाम आता है। कैसे, इम्पोर्ट तो सबसे ज़्यादा जापान कराती है क्योंकि कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है तो सब चीज़ें जो है उसे वहाँ से मंगवानी पड़ती हैं। पर जापान ने डेवलपमेंट कहाँ पे करा, वहाँ के लोगों में। कैसे डेवलपमेंट किया, वेयर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, इन दोनों चीज़ों को वहाँ के लोगों को वहाँ की गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाया, जिसकी वजह से इम्पोर्ट का वहाँ के इकोनॉमिक
डेवलपमेंट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर अगर हम बात करें किसी डेवलपिंग कंट्री की जहाँ पे एजुकेशन लेवल भी बहुत अच्छा नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी अवेलेबल नहीं है, उसके बाद फिर हम बहुत सारी चीज़ें कर्जा ले लेके दूसरी कंट्री से मंगवा रहे हैं, तो वो फिर किसी कंट्री के डेवलपमेंट में अच्छे साइन जो है शो नहीं करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगर किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है एक्सपोर्ट कर रही है कोई कंट्री दूसरी कंट्री पे, तो माना जाएगा कि जो कंट्री की इकोनॉमी है वो स्टेबल है, हाई है या फेवरेबल है, तो ये एक पॉजिटिव इंडाइस को शो करता है। तो ये है फॉरेन ट्रेड के बारे में। अब ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो इंडिया कई बाहर के मार्केट से लेके आती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है पेट्रोलियम, कोल, और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं इंडिया जो बाहर की कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती है, जैसे कई सारे एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट्स। और अगर हम बात करें पर्ल्स, जेम्स इन सब की, या फिर कोल, इन कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारे मिनरल्स, आयरन एंड स्टील, ये सारी चीज़ें जो हैं इंडिया बाहर के मार्केट में बेचती है, तो ये सारी जो है फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है। अच्छा, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और किस तरह से अफेक्ट करते हैं हमारी कंट्री की इकोनॉमी को, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। इसके बाद आता है टूरिज्म। टूरिज्म क्या होता है, एक जगह रहते रहते बोर हो गए हैं, क्या करें, पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है, मूवी देख देख के बोर हो गए हैं, फोन पे बैठ बैठ के बोर हो गए, तो फिर क्या करें, ऐसी जगह जाएं जहाँ पे थोड़ा सा जो है बॉडी रिलीव करे, या फिर साइट सीइंग हो, आंखें अच्छा फ्रेश फील करे। कॉन्स्टेंटली सेम दिवाले देख देख के जब हम बोर हो जाते हैं, तो हम क्या प्लान करते हैं कि चलो एक टूर प्लान करते हैं, इंडिया में टूर प्लान करते हैं, बाहर टूर प्लान करते हैं, जहाँ पे भी हमें अच्छा लगता है, जहाँ भी हम जाना चाहते हैं, जहाँ भी बजट हमारे पास है, वहाँ जब हम जाते हैं, वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, टूरिज्म। अब टूरिज्म जो है किसी भी कंट्री को कैसे इकोनॉमी बढ़ाने में हेल्प कर रही होती है, तो जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में कोई भी टूरिस्ट आता है, ठीक है, फॉरेन कोई भी टूरिस्ट आता है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इंडिया घूमेगा, ठीक है, इंडिया घूमेगा, फिर इंडिया घूमते घूमते उसे कई किसी भी होटल में स्टे करेगा, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, पैसे देगा, इसके बाद किसी भी छोटी सी शॉप पे वो जाता है, कहीं भी खाना खाता है, कुछ चीज़ खरीदता है, साइट सीइंग करता है, तो क्या होता है, अलग चार्जेस देता है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू जनरेट करके देती हैं। तो आज की डेट की बात करें तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा खासा जो है रेवेन्यू जनरेट करके रखा है थ्रू टूरिज्म सेक्टर। और कॉन्स्टेंटली अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट जो है बराबर जो है डेवलपमेंट करा रही है टूरिज्म के सेक्टर में। 2003 के बाद से देखें तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आया है, काफ़ी सारे टूरिस्ट जो हैं इंडिया में आते हैं कॉन्स्टेंटली हर साल घूमने, कुछ पर्टिकुलर टाइम स्लॉट होता है जहाँ पे मैक्सिमम टूरिस्ट जो है इंडिया में आना प्रेफर करते हैं। जैसे इंडिया में फेमस एरिया सबसे ज़्यादा अगर फेमस बात करें तो गोवा होता है, जहाँ पे मैक्सिमम फॉरेनर्स जो हैं गोवा के बीचेस पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद नॉर्थ में बात करें तो नॉर्थ ईस्ट एरिया, जहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट जो हैं अट्रैक्ट होते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करें और ऋषिकेश की बात करें, हमारे साउथर्न एरियाज़ की बात करें, हमारे ऐसे पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं जो फॉरेनर्स जो होते हैं, जैसे कि गंगा आरती हरिद्वार की काफ़ी फेमस है, कई सारे फॉरेनर्स वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं वो इंडिया की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, इंडिया का कल्चर देख के, क्योंकि उनको पता है कि इतना वराइड कल्चर, इतने टाइप के लोग जो है एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, जो आपस में इतने अच्छे से रह रहे हैं, एक दूसरे की कल्चर की रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारे हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो किंग्स ने पैलेसेस बनवाए हैं, ताजमहल जो सेवंथ वंडर कहलाता है, इन सबको देखने के लिए जो है लोग टूरिस्ट जो है इंडिया में आते हैं। अगर हम बात करें जैसे नॉर्थ ईस्ट की, तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अगर नहीं हुआ है, और अगर गवर्नमेंट करवाती है तो वहाँ पे काफ़ी सारा स्कोप है कि टूरिस्ट जो है वहाँ पे भी काफ़ी जाना जो है प्रेफर करें। तो ये सब जो है इस चैप्टर से रिलेटेड है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बाद फॉरेन ट्रेड एंड टूरिज्म, ये मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। मैप वर्क में आपसे वाटरवेज, रेलवेज एंड एयरवेज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन कौन से वाटरवेज, एयरवेज और रेलवेज जो है कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, वो आपको लोकेट करने हैं।
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप जो है प्रिपेयर करके रखिएगा। शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फॉरेन ट्रेड के बारे में पूछा जा सकता है, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन के ऊपर नोट आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से प्रिपेयर करनी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अपने नेक्स्ट क्लास में जो है हम अपना नया जो है सोशल साइंस का एक नया टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स का वो स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप यू लाइक्ड ऑल द वीडियोस। थैंक यू।